दिल्ली में जहां एक ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह खान को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर ये जमानत दी गई है। ईडी के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की गई थी और अब कोर्ट से जारी समन पर वह पेशी के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बीते दिनों आप विधायक जांच में शामिल होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे, वहां उनसे देर रात तक पूछताछ भी हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आने लगी, लेकिन देर रात पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जमानत दी। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मसले पर अब अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है। जाहिर है कि पिछले हफ्ते ईडी ने अमानतुल्लाह खान से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब किए। अमानतुल्लाह खान 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। तो वहीं जब अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो संजय सिंह जैसे वरिष्ठ आप नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके जवाब में अमानतुल्लाह ने कहा था कि मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे पेशी का निर्देश दिया, इसलिए मैं सुबह 11 बजे यहां आया था, मुझसे सवाल हुए, मेरे बयान रिकॉर्ड किए गए और अब मैं जा रहा हूं। आपको बता दें कि आखिर अमानतुल्लाह खान कौन है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था और साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह ने बीजेपी के भ्रम सिंह को करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। आप में शामिल होने से पहले अमानतुल्लाह खान ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर साल 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद साल 2020 में आपने ओखला से अमानतुल्लाह खान को फिर से मैदान में उतारा, जहां इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।